The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar! आइए बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में. क्या है ये? बहुत लोगों को गर्दन में दर्द होता है, दिक्कतें होती हैं और कई बार हाथों में दर्द, एक हाथ में दर्द है, सुनपना है. कोई लोग कहता भाई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, दर्द है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर अल्टीमेटली निकलता क्या है कि पूरा दिन गर्दन को ऐसे ऐसे करके मोबाइल पर लगे हुए रहते हैं, पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो गर्दन में कुछ इशू हो गया है. मे बी देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द नेक. सो दे डू एन एक्सरे. एक्सरे में निकल के आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. ये क्या है? ये एक जनरल टर्म है जो कि बेसिकली एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर को बोलते हैं, जो आपके स्पाइन के डिस्क में होता है, नेक में. अब ये एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर कई लोगों को जल्दी हो जा रहा है बिकॉज ऑफ 1, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, 2, बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर, 3, बिकॉज ऑफ, अभी हम बताएंगे. 1 इज सबसे बड़ा डिहाइड्रेशन. एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिस्क डिहाइड्रेट हो रही है, श्रिंक हो रही है और साथ ही उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो रहा है, इंक्लूडिंग कि वहां पर रगड़न है, कहीं कहीं बोनी प्रोजेक्शन आ रहे हैं, कहीं हड्डी बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं बोनी प्रोजेक्शन और एजेस दिखाई दे रहे हैं, बोनी स्पर दिखाई दे रहे हैं. वेरी वेरी कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन. मिडिल एज से शुरू हो सकता है, अर्ली या फिर 30s के बाद, 40s के बाद, और सीधा उम्र के साथ बढ़ता जाएगा और सीरियस होता जाएगा. मोर देन 85% ऑफ पीपल ओल्डर देन 60 विल हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. सोचो तो भाई, मेरे को भी चांस है, आपको भी चांस है. इसलिए पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट पीपल जिनको पहले पहले कोई सिम्टम नहीं होता, राइट, मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस नो सिम्टम पहले पहले. जब सिम्टम्स आते हैं तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन जरूरी नहीं होता. तो ऑपरेशन सिम्टम्स आते हैं तो क्या आते हैं पहले समझते हैं, फिर कॉजेस में समझेंगे. सिम्टम में मतलब क्या? सिम्टम में आपका या तो कोई सिम्टम नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं चलेगा. सिम्टम्स आएंगे तब जब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको निकलने की जगह है, जो उसके अंदर से नर्व है वो निकलने की जगह है, वो छोटी हो रही है या उसमें कोई दबा रहा है, कोई स्पर बोन स्पर उसको टच हो रहा है, उसको दबा रहा है उसको, तो इस प्रकार की चीज़ें होती है. तो उस नर्व सप्लाई जहाँ करती है, आर्म को, हैंड को, लेग को, फीट को, कहीं को भी करती है. सर्वाइकल में ज़्यादातर आर्म और इसमें होता है, लेग और फीट में लंबर स्पाइन में होती है. तो वहाँ पर टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी, फिर वीकनेस होगी, ज़्यादा हो गया तो दर्द होगा, वीकनेस होगा. उसके अलावा देयर माइट बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट, पैरों में होगा, लंबर वाले में होता है जब, तो इट कैन बी डिफिकल्टी इन वॉकिंग वहाँ पे होता है. तो कई बार स्पाइनल कॉर्ड अगर कंप्रेस हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है. ऐसा नहीं कि गर्दन में होगा तो पैर में नहीं हो सकता, गर्दन में होगा और पैरों में दर्द हो रहा है तो मतलब पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड दब रही है, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड दब रही है, तब हो सकता है कि आपको लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, बाउल कंट्रोल, कंट्रोल लैट्रिन और पेशाब में कंट्रोल नहीं रहा, पैरों में दिक्कत हो रही है, चलने का प्रॉब्लम आ रही है, तब फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है. ऐसे का फिर आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, टेस्ट पे आप बात करेंगे. लेकिन पहले कारण में, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा कारण है डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन डिस्क. जब डिहाइड्रेशन हो जाता है अराउंड 40 की एज में, वैसे भी आपके डिस्क जो है वो ड्राई होने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है, धीरे 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 अलाउ करने लग जाती है बोन टू बोन कॉन्टैक्ट. और अनलेस एंड अनटिल यू डू रेगुलर एक्सरसाइज, देन आपकी आपकी जो स्ट्रेचिबिलिटी है वो कम होने लग जाती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस, डिहाइड्रेटेड डिस्क. एंड इफ योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, अगर खुद भी डिहाइड्रेटेड हो तो डबल डिहाइड्रेशन हो जाएगा. देन देर इज हर्निएटेड डिस्क. अगर कहीं आपने गलत पोस्चर में गलत सामान उठाया, बहुत ज़्यादा ऐसे देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगे पड़े हो, बहुत ज़्यादा गर्दन लेके सो गए, तो डिस्क के ऊपर प्रेशर होके वो पीछे हर्निएट हो सकती है, राइट. कई बार क्या होता है, डिस्क के पीछे का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो वहाँ पर फाइबरस टिश्यू क्रैक हो गया वहाँ पर, वो तो वो दैट कैन कॉज बैक, मतलब डिस्क वहाँ से खिसक रही है, तो वो आपको दिक्कत दे सकती है. थर्ड इज जो मैंने बताया, डिजेनरेटिव बोन स्पर. बोन स्पर का मतलब है हड्डियाँ लिटरली बन रही हैं, अलग अलग हड्डियाँ बन रही है, घर्षण हो रही है, हड्डी टू हड्डी सूजन होती है तो वहाँ बनती है अलग जगह पर. बिकॉज ऑफ डिस्क डिजेनरेशन ऑफन रिजल्ट ऑफ बोन के साथ ऐसे ही होते हैं, एक जगह से डिजेनरेट होती है, एक जगह से रीजनरेट होती है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग हैपन्स. सो दिस इज देयर. देन वॉट हैपन्स, ये आपकी आपकी खुद की
ये होता क्यों है, लोग सोचेंगे भाई ऐसा क्यों सर, एक जगह पे बोन गड़गड़ भी रही है, दूसरी जगह से बन भी रही है। आपकी हड्डी ट्राई करती है कि यार चलो बोन कहीं से कुछ तो मदद करें, वो मिसगाइडेड हो जाती है कि यार यहाँ इस तरफ बनाना था जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, तो वो इधर बना देती है, ऐसी सिंक बना देती है। तो दोज आर बोन स्पर्स। जब हमें मल्टीपल बोन स्पर दिखते हैं मतलब वहाँ पे डिजनरेशन हो रहा है, वहाँ डैमेज हो रहा है, दैट इज काइंड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस। फिर लिगामेंट्स जो होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, तो ढीले हो जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाए तो गर्दन नहीं हिल रही, ढीले हो जाए तो डिस्क स्लिप हो सकती है। दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन और दीज आर द रीजंस। एंड योर पोस्चर, बैड पोस्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। और हड्डियाँ कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी इज अनदर रीजन। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे, उम्र के साथ तो सबको होगा, कम उम्र में हो रहा है आपकी गलती, ऑक्यूपेशन हो सकता है, मतलब अगर आप बार बार गर्दन का मोशन करने के लिए, और आपका ऑक्यूपेशन है, आप टेबल टेनिस के वो हैं क्या बोलते हैं जज, ऐसे ऐसे करते रह रहे हो तब भी प्रॉब्लम है। अगर आपको इस प्रकार का कोई इश्यू है, अगर आपकी कोई ऑकवर्ड पोजिशन होती है आपके वर्क में बहुत बार, मान लो समथिंग लाइक दिस, तब भी प्रॉब्लम है, या ऐसे ही ऐसे देखे जा रहे तब भी प्रॉब्लम है, या आपको कोई नेक इंजरी हो जाए, चोट लगी हो गर्दन में तब भी प्रॉब्लम है, जेनेटिक फैक्टर है, फैमिली में सबको ये गर्दन में प्रॉब्लम होती है तब भी आपको हो सकता है। और सबसे बड़ा कॉमन रीजन है स्मोकिंग। जी हाँ, जो स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत कॉमनली हो जाता है, यंग एज में हो जाता है। सो अगर आपको ऐसा होता है तो कई बार सिवियरली नर्व रूट, नसें सिवियरली दब के डैमेज कर सकती है, परमानेंट प्रॉब्लम कर सकती है, कि आपको फिर वो दर्द होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, फिर ऑपरेट कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका पहले नेक की मोशन चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे आपके नेक के रिफ्लेक्सेस, प्रेशर चेक करेंगे आपके स्पाइन की, ऐसे उससे रिफ्लेक्सेस से मसल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, मसल स्ट्रेंथ सही है कि नहीं, उससे थोड़ा आइडिया आएगा कि आपके स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स वो सही से उसमें काम हो रहा है कि नहीं। आपको चलने को बोलेंगे, नर्व उसमें प्रॉब्लम आओके गेट देखेंगे, आपको यूरिन पेशाब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पूछेंगे। अल्टीमेटली टेस्ट किए जाएंगे, पहला सबसे कॉमन टेस्ट गर्दन का एक्सरे, नेक एक्सरे। नेक एक्सरे से बोनी स्पर दिख सकते हैं, एबनॉर्मल शेप दिख सकता है, प्रॉब्लम दिख सकती है कि कितनी है माइनर, कभी कभी बहुत कुछ हुआ, फ्रैक्चर या ऐसी कुछ चीज़ें, इन्फेक्शन, ऐसी चीज़ें भी दिख सकती है, वो अलग चीज़ होगी कि नया निकल के आ गया, बट इस केस में आपको बोनी स्पर्स और स्पॉन्डिलोसिस दिखेगा। सीटी स्कैन किया जा सकता है जो एक और मोर डिटेल पिक्चर दिखाएगा आपके बोन और जॉइंट का। एमआरआई किया जा सकता है, उससे एमआरआई से पता चलेगा नर्व दबरी है, इम्पिंज हो रही है, कितनी दबरी, इम्पिंजमेंट मतलब दबरी दबरी, ठीक है, इम्पिंजमेंट। माइलोग्राफी किया जा सकता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड को पूरा डिटेल में चेक करने के लिए, वो भी सीटी स्कैन से की जाती है। माइलोग्राफी सीटी स्कैन से भी बढ़िया, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को देखने के लिए होती है। तो ये हो गया इमेजिंग स्टडीज। फिर नर्व फंक्शन के लिए टेस्ट होता है, नर्व कंडक्शन स्टडी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जैसे ECG वैसे EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन स्टडी। EMG से नर्व मैसेजेस सही से मसल तक पहुंचा पा रही है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा है कि नहीं, ये देखते हैं कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। EMG से भी वही चीजें देख सकते हैं, नर्व स्टडी की जा सकती है। इससे छोटा सा शॉक दिया जाता है जो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन पता चल जाता है कि नर्व कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट, अगर इनमें से पता चलता है कि भाई आपको स्पॉन्डिलोसिस ही है, तो उसकी सिवियरिटी, उसके साइन और सिम्टम के बेसिस पे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, वो रिलीफ हो जाए। अगर कोई पेन डिस्कम्फर्ट नहीं है तो प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, बट पेन डिस्कम्फर्ट कम करना और आगे इंजरी और ज्यादा परमानेंट इंजरी ना हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव है नंबर वन। दिए जाते हैं इसमें दवाइयाँ, याद रखिए इसमें दो प्रकार की, तीन प्रकार की ट्रीटमेंट है, थेरेपी, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से आपको सिखाएंगे टू एक्सरसाइज, स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन योर मसल्स इन योर नेक एंड शोल्डर, राइट, शोल्डर और नेक मसल्स को स्ट्रेंथ, ताकतवर बनाना और स्ट्रेचेबल बनाना, ताकि वो अच्छे से आपको सपोर्ट करें। ये इसकी एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, बाकी सारे ट्रीटमेंट के साथ ये तो होना ही होना है, राइट। उसमें कई बार कई सारे ट्रैक्शंस, कई सारे चीज़ों की काफ़ी मदद मिलता है, ट्रैक्शन से, कई सारे फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट से मदद मिलती है। देन देर इज मेडिकेशन, अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा दर्द, तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, पेन किलर्स आपको दिए जा सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स आपको दिए जा सकते हैं, और फिर भी नहीं हो रहा तब फिर आती है बात, जब इन्फ्लामेशन ज़्यादा ही हो रहा है वहाँ पर, तो स्टीरॉइड्स, एंटी स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ओरल स्टीरॉयड भी दी जा सकती है। कई बार इसमें नर्व का पेन होता है, तो नर्व के पेन में गाबापेंटिन, प्री गाबालिन जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। ये नसों की दर्द की दवा होती है,
जो दर्द को कम कर सकती हैं, प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, और कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स भी देने पड़ते हैं, डुलोक्सिटिन या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो काफ़ी कॉमन है ऐसे चीज़ों में देना, ठीक है, एमिट्रिप्टिलिन जैसे। फिर अल्टीमेटली अगर इन सबसे भी नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा डिस्क हर्निएटेड है, बोन्स पर बहुत दबा रहा है, सीधा नर्व को जो एमआरआई में दिख रहा है, एमआरआई में, तो फिर उसको ऑपरेट किया जा सकता है कि भाई ये हर्निएटेड डिस्क निकाल देंगे तो आप ठीक हो जाओगे, दर्द की दवा लेने की जरूरत नहीं, ये लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो फिर वो ऑपरेट किया जाता है। या फिर वर्टिब्रा का एक पार्ट, हड्डी का, स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट ही निकाल के अगर ठीक हो सकते हैं तो वो सर्जन बताएगा कि आपके केस में ऑपरेशन का कोई रोल है कि नहीं है, वरना नहीं। कई बार जो जब आपका वो हड्डी निकाल दी जाती है, कई बार वो अगर वर्टिब्रा आपका एक जो जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है अगर वो बहुत दबा रहा है उसको, तो वो पूरा का पूरा वर्टिब्रा निकाल दिया जाता है और ऊपर और नीचे वाले को ज्वाइन कर दिया जाता है ताकि वो मूवमेंट कम हो जाती है, लेकिन आपका कम से कम जो प्रॉब्लम हो रही है, मान लो किसी को स्पाइनल कॉर्ड ही दबी हुई है, नीचे सेंसेशन ही नहीं है, नीचे यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, इनकंटिनेंस है, कंट्रोल ही नहीं है, तो उस केस में फिर करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे सीरियस केसेस भी होते हैं, माइनर केसेस, ज़्यादातर केसेस माइनर होते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिजियोथेरेपी एंड मेडिकेशन ठीक हो जाते हैं, सो डोंट वरी। इसके साथ आपको प्रिवेंशन सबसे पहले करना है, प्रिवेंशन इज रेगुलर एक्सरसाइज, और उसके ऊपर आप हीट एंड आइस लगा सकते हैं, हीट या आइस दोनों के दोनों आपका कभी आराम दिला सकती हैं, और सॉफ्ट नेक ब्रेस पहन सकते हैं, जो हम गर्दन का वो कॉलर टाइप पहनते हैं, ब्रेस पहन सकते हैं ताकि वो कुछ टाइम के लिए पहने, जिससे कि आपकी सपोर्ट मिले गर्दन को और प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लंबे समय पहनोगे तो गर्दन की मसल्स ही वीक हो जाएगी, वो नहीं चाहिए। गर्दन की मसल्स को स्ट्रांग करने की एक्सरसाइज करनी करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना ही मिलना है कम से कम एक आध महीने के लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड पोस्चर पर ध्यान दें, पोस्चर अगर आपका गलत है तो भाई सबसे बड़ी गलती आपकी, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, तो गलती आपकी है, तो ये सारी चीजें ध्यान दें, ये सारी चीजें अगर आप कवर कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड डू शेयर दिस वीडियोज टू एवरी सिंगल पर्सन यू नो, शायद किसी या कई सारे लोगों का भला होना चाहिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय।